हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल अगेन। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि नो बेक पार्ले जी चीज़ केक कैसे बनाते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम बनाएंगे पार्ले जी का कुकी बटर या बिस्किट स्प्रेड, जो भी आप इसे कहना चाहें। तो इसके लिए मैंने लिया एक मिक्सर जार, उसमें कुछ क्रश किए हुए पार्ले जी बिस्किट्स डाले हैं मैंने। फिर मैंने डाला है उसमें दूध, कंडेंस मिल्क और थोड़ा सा सॉफ्ट किया हुआ बटर। अब हमें मिक्सी को चला के एक स्मूथ सा पेस्ट बना लेना है। आप देख सकते हैं बहुत ही स्मूथ पेस्ट बना है हमारा। इससे हम पार्ले जी कुकी बटर कह सकते हैं। और इसको मैं एक एयरटाइट कंटेनर में स्टोर कर लूँगी और बंद करके साइड पे रख दूँगी, और इसे हमें अपने चीज़ केक फिलिंग में यूज़ करना है। गाइज, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और वीडियो के नीचे लाइक का बटन ज़रूर दबाएं। अब हम बनाएंगे अपना चीज़ केक के लिए नीचे का बिस्किट बेस। उसके लिए मैं जो पार्ले जी बिस्किट्स है उसे मिक्सी में पीस लूँगी अच्छे से, और उसके ऊपर मेल्टेड बटर डाल दूँगी और एक चम्मच से अच्छे से मिला लूँगी। इसे अच्छे तरीके से मिलाना है ताकि ये वेट सैंड के टेक्सचर का दिखने लग जाए और अच्छे से बाइंड हो। यहाँ पे मैंने एक 6 इंच का रिंग मोल्ड लिया है। आप चाहे तो 6 इंच का स्प्रिंग फॉर्म पैन भी ले सकते हैं, और उसमें मैं डाल रही हूँ बिस्किट मिक्सचर जो मैंने बटर के साथ मिला के बनाया है। एक चम्मच के साथ अच्छे से प्रेस करूँगी। आप चाहे तो कोई भी फ्लैट बेस वाला ग्लास या कटोरी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छे से इसे प्रेस कर ले और इसे उसके बाद फ्रिज में रख देना है सेट होने के लिए। तब तक हम अपना क्रीम विप करेंगे। यहाँ पे मैंने स्वीटेंड विपिंग क्रीम लिया है और उसे मैं बीटर के साथ विप कर लूँगी अच्छे से। क्रीम ठंडा होना चाहिए, रेफ्रिजरेटर से निकला हुआ, तो ये अच्छे से बीट होगा। एक बार ये अच्छे से बीट जब हो जाता है, इसके बाद मैं अपना सॉफ्ट किया हुआ क्रीम चीज़ इसमें डाल दूंगी, और उसके बाद फिर बीटर की मदद से इसे व्हिपिंग क्रीम के साथ अच्छे से मिला लूँगी। अच्छे से बीट होने के बाद और उसके बाद अपना बनाया हुआ जो कुकी बटर हमने बनाया हुआ था उसे मैं डाल दूंगी इसमें, और फिर हमें अच्छे से इसे बीट कर लेना है। इसके बाद मैं इसमें डालती हूँ थोड़ा सा पाउडर्ड शुगर। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, और अगर आप कम मीठा खाते हैं तो इसे स्किप कर सकते हैं। सारी चीज़ों को अच्छे से बीट कर लेना है ताकि एक होमोजीनियस मिक्सचर बन जाए और हमारा जो चीज़ केक का फिलिंग है वो बनके बिल्कुल तैयार है। अब हमारा बिस्किट बेस भी सेट हो चुका है, और इसके ऊपर से बनाया हुआ चीज़ केक फिलिंग डाल देना है। एक ऑफसेट स्पैचुला की मदद से मैं लेयर को इवन आउट कर रही हूँ। ऊपर से कुछ डिज़ाइंस बनाने के लिए या चीज़ केक को थोड़ा सा डेकोरेट करने के लिए मैं यहाँ पे जो कुकी बटर है उसके डॉलप्स डाला है मैंने, और एक स्क्यूअर से स्वर्ल डिज़ाइन बना रही हूँ। आप चाहें तो अपने हिसाब से कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं या इसे प्लेन छोड़ सकते हैं। इसके बाद मैंने थोड़ा सा वो जो पार्ले जी और बटर का मिक्सचर था वो बचा के रखा था, उसे थोड़ा सा ऊपर से साइड से डाल दिया है। एंड टू फिनिश ऑफ मैं इसमें प्लेस कर दूंगी 2 पार्ले जी बिस्किट्स, जो देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। एंड दैट्स इट। इसके बाद हम इसे सेट करने के लिए रख देंगे रेफ्रिजरेटर में मिनिमम 4 से 6 घंटे, या रात भर के लिए आप रखें सो दैट ये अच्छे से सेट हो जाए।
ये देखिए मैंने इसे ओवरनाइट सेट किया है और फिर निकाल लिया है सुबह में, और एक नाइफ में चला रही हूँ अराउंड द चीज़ केक सो दैट वो रिंग से ये इजीली निकल जाए। एंड देख सकते हैं आप ब्यूटीफुली डीमोल्ड हो चुका है हमारा चीज़ केक एंड इट इज़ रेडी टू ईट। इस चीज़ केक को खाने के लिए आपको साथ में कोई भी सॉस या टॉपिंग्स नहीं लगेगा, इसको आप ऐसे ही खा सकते हैं क्योंकि पालेजी का बहुत ही यूनिक फ्लेवर होता है जो हमने इसमें कुकी बटर डाला है उससे आएगा और बहुत ही डिलिशियस लगता है इसे खाने में। ये देखिए मैंने काट के एक पीस निकाला है और चीज़ केक बहुत ही अच्छे से सेट हुआ है। इफ़ यू ट्राई इट डू लेट मी नो हाउ इट टर्न्स आउट फॉर यू। आज के वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन, टिल देन बाय एंड टेक केयर।